जीवाजी विश्वविद्यालय में चल रहे गणित विभाग के 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे दिन में आईआईटी कानपुर के पूर्व डीन व प्रोफेसर जेबी शुक्ला द्वारा मैथमेटिकल मॉडलिंग का सतत विकास में भूमिका पर व्याख्यान दिया गया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी ग्रह पर सीमित मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं और पृथ्वी की धारण क्षमता भी सीमित है। सत्र की अगली कड़ी में ग्रेटर नोएडा के शिव नादर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर कर्मेश ने गणित के समीकरण का मानव मस्तिष्क व न्यूरॉन से जुड़ी विकृतियों में जनित समस्याओं के सहसंबंध पर प्रकाश डाला। वहीं तीसरे क्रम में गणपत विश्वविद्यालय मेहसाना अर्बन इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर अमित के पारिख द्वारा रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के समाधान में गणितीय विधियों के प्रयोग विषय पर गहन चर्चा की गई। राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के नाटक एवं रंगमंच संकाय में इन दिनों डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी के निर्देशन में मंच निर्माण का प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसमें मंच निर्माण से लेकर नाट्य प्रस्तुति तक समस्त तकनीकी पक्ष पर प्रकाश डाला जा रहा है। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी ने समझाते हुए कहा कि मंच निर्माण में विन्यास की अति आवश्यकता होती है। विन्यास वास्तव में किसी भी आकार और आकृति से मिलकर बनता है। इंडिया खबर लाइव टीम से विशेष बातचीत में डॉक्टर निधि गर्ग व अभय गर्ग ने कहा कि युवाओं में परिवर्तन करने की असीम क्षमता है, बस जरूरत है उन्हें सही दिशा की, सही समय पर देने की। इसी तारतम्य में कोशिश वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा आगामी 22 दिसंबर 2018 MPCT कॉलेज परिसर में कोशिश क्विज कंपटीशन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि कोशिश वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से समाज के अंदर मौजूद उन प्रतिभाओं को तराशना है जो सही मार्गदर्शन व उपयुक्त स्थान के अभाव में छुपी रह जाती हैं।